सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आजकल आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। और तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट पसंद क्वेश्चनों के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में, स्किप करने की गलती मत करना। और रही बात क्वेश्चनों की, तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आपको किसी भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है अपना, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। क्या पूछा है दोस्तों, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा क्या प्रोटीन होता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भेड़ की। क्या हो जाएगा, भेड़ की राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका डी। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कौन से देश में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ए। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान क्या हो सकता है, मर सकता है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नीम। क्या हो जाएगा, नीम ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर। उदयपुर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। फिर है अपना अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वीवो किस देश की कंपनी है। वीवो फोन, वीवो फोन किस देश की कंपनी हो जाएगी दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सीन। किस देश की है, सीन की। फिर अपना अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है। किस जानवर के अंदर होता है दोस्तों, हाथी के अंदर। आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ए। फिर अपना अगला क्वेश्चन है, कौन सा फूल 36 साल में, कितने साल में दोस्तों, 36 साल में एक बार खिलता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाग पुष्प। नाग पुष्प 36 साल में एक बार खिलता। फिर अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ हो जाएगा दोस्तों, पपीते की। आपका राइट आंसर हो जाएगा पपीते की। पपीते की सब्जी। फिर अपना अगला सवाल है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया के लोग। उत्तर कोरिया के लोग।
फिर अपना अगला सवाल है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? किस देश में बनाया गया है दोस्तों? सऊदी अरब। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। फिर अपना अगला सवाल है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? किस पक्षी का होता है दोस्तों? शुतुरमुर्ग का। आपका राइट हो जाएगा डी। फिर अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा। राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर अपना अगला सवाल है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? किस देश में दिखाई देता है दोस्तों? नॉर्वे में। नॉर्वे में हरा सूर्य दिखाई देता है। फिर अपना अगला सवाल है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? कौन सा जानवर देता है दोस्तों? प्लेटिप्स। प्लेटिप्स जानवर दूध भी देता है और अंडे भी देता है। फिर अपना अगला सवाल हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा स्कूल हो जाएगा दोस्तों भारत के अंदर, भारत में। आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुए? कब शुरू हुए दोस्तों? 1957 में। 1957 में आपका राइट हो जाएगा दोस्तों सी। फिर अपना अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जिसे साकू से काटा जा सकता है? कौन सी धातु है दोस्तों? सोडियम। सोडियम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर अपना अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सी। फिर अपना अगला सवाल है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? किस देश में पाई जाती है दोस्तों? चिल्ली देश में। चिल्ली देश में आपका राइट हो जाएगा दोस्तों डी। फिर अपना अगला सवाल है, भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था दोस्तों? 1951 में। कब लागू हुआ? 1951 में। ये आपका राइट हो जाएगा। आपका राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। फिर अपना अगला सवाल है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? किन राज्यों के बीच में हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु कर्नाटक के बीच आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सीता जी के पिता का नाम क्या है? सीता जी के पिता का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? राजा जनक। राजा जनक फिर अपना अगला सवाल है, किस देश में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है? किस देश में दी जाती है दोस्तों? भारत में। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। फिर अपना अगला सवाल है, भारत में सूर्य का मंदिर किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान राज्य में है।
राजस्थान में अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। फिर अपना अगला सवाल है, लाल किले में कितने कमरे हैं? लाल किले में कितने कमरे हुए दोस्तों? 6 कमरे। 6 कमरे राइट हो जाएगा आपका सी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? सबसे सस्ता सोना सऊदी अरब में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। फिर अपना अगला सवाल है, सबसे सस्ता पेट्रोल किस देश में मिलता है? सबसे सस्ता पेट्रोल किस देश में मिलेगा दोस्तों? वेनेजुएला में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। फिर क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? वह हो जाएगा दोस्तों घड़ियाल। अपना ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी राइट। फिर अगला क्वेश्चन है, किस देश में जेल से भागना अपराध नहीं माना जाता? किस देश में दोस्तों? इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी में ऑप्शन ए राइट। फिर अपना अगला सवाल है, कुत्ता किस रंग को देखकर गुच्छा हो जाता है? किस रंग को देखकर दोस्तों? काला रंग आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर अपना अगला सवाल है, किस देश की 3 राजधानी है? किस देश की 3 राजधानी है दोस्तों? साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अपना अगला सवाल है कि टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कौन सा देश है दोस्तों सी? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर अपना अगला सवाल है, आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भारत ऑप्शन नंबर ए राइट। फिर अपना अगला सवाल है, किस देश में 40 मिनट की रात होती है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किस देश में 40 मिनट की रात होती है? किस देश में होती है दोस्तों? नॉर्वे में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर अपना अगला सवाल है, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। फिर अपना अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है दोस्तों? अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना है। फिर अपना अगला सवाल है कि भारत का सबसे शाकाहारी राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। फिर अपना अगला सवाल है दोस्तों, अमेरिका किस देश का गुलाम था दोस्तों? इंग्लैंड का। किस देश का था दोस्तों? इंग्लैंड का।
आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर अपना अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है दोस्तों मूंग की दाल में, मूंग की दाल में। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। फिर अपना अगला सवाल है, खरगोश की उम्र कितनी होती है? क्या पूछा है दोस्तों, उम्र कितनी होती है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 से 5 साल, राइट ऑप्शन बी। फिर अपना अगला सवाल है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर अपना अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता? क्या कभी पानी नहीं पीता? ऐसा कौन सा जानवर हो जाएगा दोस्तों? कंगारू रैट। कंगारू रैट। कंगारू और कंगारू रैट में फ़र्क है। और आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर अपना अगला सवाल है, वह कौन सा जीव है जो न ही भोजन और न ही पानी पीता है? वह कौन सा जीव हो जाएगा दोस्तों? जुगनू कीट। जुगनू कीट ना तो खाता है ना तो पीता है। फिर अपना अगला सवाल है, कौन सी चीज लड़के को साल में एक बार ही खरीदनी पड़ती है? कौन सी चीज़ खरीदनी पड़ती है दोस्तों? ये ज़रा सोचने का सवाल है। इसमें आप बताइए कौन सी चीज़ है, शादी का लहंगा या लेंस, राखी, बालों की डाई? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसके बहन है उनको तो पता है, और जिसके बहन नहीं है उनको पता, लगभग सभी को पता है, 99% लोगों को। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राखी। राखी साल में एक बार ही खरीदनी पड़ती है। फिर अपना अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी कौन सी है? कौन सी हो जाएगी दोस्तों? REW। कहाँ पर है? भारत में। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। फिर अगला सवाल है, भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? नाम है दोस्तों REW, REW अनुसंधान, REW अनुसंधान और विश्लेषण विंग। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर अगला सवाल है, मनुष्य की सर्वोत्ता की सीमा क्या है? क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 से 2000 हर्ट्स। आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ए। फिर अपना अगला सवाल है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? किस राज्य में है दोस्तों? केरल में। केरल में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। फिर अपना अगला सवाल है, किसकी आंखें नहीं होती है? किस जीव की आंखें नहीं होती है? किसकी नहीं होती है दोस्तों? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताना है किसकी, किस जीव की आंखें नहीं होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना,
ना भूले। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसे हर वीडियो डेली आ जाया करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।